Hello students, welcome to our online class. In our previous class, we discussed about the chapter number 4. The name of this chapter is Editing Text in MS Word 2010. So today we have discussed the second part of this chapter, that is how to deleting the text. So students, let us discuss deleting the text. You can remove or delete the text, characters or words by following the given steps. अगर तुम लोग किसी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट से तो इन सारे स्टेप्स को यूज कर सकते हो. फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट एंड द सेकंड स्टेप इज प्रेस द डिलीट की देन द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव्ड. तो पहले उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद डिलीट की को प्रेस कर दोगे तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो डिलीट द टेक्स्ट बाई यूजिंग द बैकस्पेस की. अगर वन बाय वन हम वर्ड को लेटर वाइज हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो बैकस्पेस की को दबाकर हम डिलीट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज इंसर्टिंग द टेक्स्ट. यू कैन इंसर्ट ए न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. टू डू दिस यू हैव टू फॉलो इन द गिवन स्टेप्स. हमने पहले जब मतलब पार्ट में पढ़ा था कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, एंटर करेंगे. लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं अगर उसमें हम कोई भी डाटा पुट करना चाहते हैं तो वहां पर इनपुट कर सकते हैं. सो द स्टेप्स आर प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द वर्ड और लाइन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट. सपोज इस लाइन में हमें टेक्स्ट को लिखना है तो हम क्या करेंगे, जिस लाइन से हमें लिखना है उसी लाइन पर हम अपना कर्सर को रखेंगे. यहाँ पर ब्लिंकिंग लाइन आएगा उसके बाद हम टाइपिंग करना शुरू कर देंगे. सो स्टार्ट टाइपिंग. The existing text which is present after the cursor will be shifted to the right side. So, जहां पर कर्सर होगा वहीं से लेटर्स लिखना शुरू हो जाएगा. Next, moving text from one location to another location. So, how to move text from one location to another location? This feature helps you to move the text from its original location to a new location. Suppose यहां पर start लिखा है तो start को हमें दूसरे location पर लाना है तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेप्स को यूज करेंगे. फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव. तो उसी स्टार्ट लेटर को वर्ड को हमें चूज करेंगे जिसको हमें मूव करना है. क्लिक ऑन द कट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप प्रेजेंट इन द होम टैब. होम टैब में जाकर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट बटन को क्लिक करना होगा. यू कैन यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट्स और हम दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं. टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स को दबा सकते हैं बिकॉज कंट्रोल प्लस एक्स इज द शॉर्टकट ऑफ कट कमांड. द टेक्स्ट डिसअपीयर्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड इज टेम्पोररीली प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. तो क्या होगा, जहां से हमने स्टार्ट बटन स्टार्ट वर्ड को सिलेक्ट किया था वहां से वो स्टार्ट वर्ड टोटली रिमूव हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, पोजिशन द कर्सर वेयर यू वॉन्ट द प्लेस टू द टेक्स्ट. तो हम दूसरे जगह पर कर्सर को क्लिक करेंगे जहां पर हमें उस टेक्स्ट को लाना है. उसके बाद नाउ प्रेस द पेस्ट बटन, उसके बाद पेस्ट बटन को दबा देना है और हम उसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी बिकॉज कंट्रोल प्लस बी इज द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट कमांड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर होमवर्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज डू इट इन योर बुक्स एंड कॉपी ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.